जब हमें स्कूल ही जाना था तो फिर हम चोर क्यों बने? स्कूल अच्छी होती है, खास करके कैंटीन। डरो मत, ये बर्फ जमी हुई है और बर्फ में कैद एक प्राचीन हाथी है। जोजो क्लास शुरू करेंगे। सदियों पहले जब ठंड सालों साल चलती थी तब ऐसे विशाल हाथी का कहर रहता था। तब गांव वाले उन्हें गाना सुनाकर उन्हें बर्फ में कैद कर लेते थे। इसी तरह हम हमारा खाना धूल मिट्टी से स्वच्छ और सुरक्षित रखा करते थे। एक मस्त वाला आइडिया आया भाइयों, हम सबकी कुल्फी जमा देंगे और पतली गली पकड़ लेंगे। जादूगर जोजो, वो गाने के तो बोल गुनगुनाओगे क्या? आसान है, कोई भी गा लेगा। लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो है? मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। लंबू चंद, कहाँ छुप गया घोचो? कोई मेरी मदद करो, मेरी जीप फंस गई है। मैं तो बस यहाँ स्किप टेस्ट करना चाहता था। आप अच्छा पढ़ा लिखते हो, कितने संस्कारी हो और भोले भी। मुझे गर्मी लग रही है, ठंडी हवा मिल जाए बस। गर्मी तो है, मैं मदद करता हूँ मिस बेटी। मैं कुछ ज्यादा ही सो गया, ठंडी का मौसम आ भी गया, महीनों से कुछ खाया तक नहीं मैंने। मेरे घर डिनर पर आना पसंद करेंगी? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? भाई इसमें तो गर्मी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में सबकी कुल्फी जम जाएगी। चलो अब जेलर के पास चाबी लेकर जल्दी भाग जाते हैं। ये क्या? अब हम क्या करें भाई, बर्फ गर्म करके पिघला भी नहीं सकते। चाबी को भूल जा, दरवाजा तोड़ देते ना। शरीर में ठंड घुस गई है, कमजोरी बढ़े उससे पहले कुछ खा लेता हूँ। सूट पहनी मुर्गियों से बात करना बंद करो, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, समझे? की कर देना, रास्ता मिल गया भाई, उन्हें को चोच मार के दरवाजा खोल दे। कह रहा है कि ये तुम्हें जानता नहीं और ये एक अजनबी की मदद क्यों करे? हाँ तो अजनबी से दोस्ती बनाने के लिए क्या करना होगा? हंसना बंद करो और उनको बोल दो कि हम लोग दोस्त बन गए। अरे धीरे चलो, वो बहुत पीछे रह गए। तुम लोग जा सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुन पड़ रहा है, हिल भी नहीं पा रहा मैं। अगर हम गंगा रोग उल्टा गाय तो शायद गर्मी होने लग गया हुआ। नाचो, हमारी कुल्फी जम रही है।
बस करो एवरल, पसीना छूट रहा है। अरे दोस्त, तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुको, मत जाओ। कितने अच्छे पेंगुइन्स थे, छोटे और फनी से थे। अब चलो, धूप में जल जाए इससे पहले रेगिस्तान पार करना होगा। मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? जाओ पिंजरे में वापस। जिंदगी में कुछ दिन को भूल जाना ही बेहतर होता है। तुम्हें लगता है कि हम इससे जेल के उस पार तक गड्ढा खोद पाएंगे भाई? इसमें कोई शक है क्या? इसीलिए ही तो बनाया है। इसका नाम है खोदा लाल। क्या मैं खोदा लाल की पेंटिंग बना सकता हूँ भाई? नहीं, तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। चुपचाप जाके खड़े हो जाओ। एवरल, क्या बात है मेरे संस्कारी? खोदा लाल को छुपा दो जल्दी। मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन में तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। तुम्हारी पेंटिंग के फोटोज उन्हें बहुत पसंद आए। हम पेरिस के मशहूर आर्ट म्यूजियम जा रहे हैं। अरे मैं पेरिस जाऊंगा, पार्ले बुल्ले फ्रांस। कल हमें समुद्री जहाज से फ्रांस जाना है। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है। उसको पता भी नहीं चलने दिया कि पेरिस नहीं, तुम हमारे साथ भागने वाले हो। ऐसा नहीं है भाई, मैं सच में पेरिस जाना चाहता हूँ। क्या हमें छोड़कर पेरिस जाओगे? दिमाग ठिकाने पे है। और भाई वैसे भी तुम्हारे आइडियाज कभी काम नहीं करते हैं। जरा फिर से बोलो तो। कभी काम नहीं करते। एवरल वापस आ जाए, फिर हम भाग लेंगे भाई। बिल्कुल नहीं, ये सब चले ना चले, हम तो निकल जाएंगे। मैं पेरिस जा रहा हूँ। हम तैयार हैं। शेरू को साथ भेजने के लिए शुक्रिया जेलर साहब। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा शेरू। मैंने घड़ी तो नहीं पहनी है, कौन सा टाइम देखने आता है मुझे। तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा मैं, तुम्हें भी भाई। और रोना धोना बंद करो, हमें काम खत्म करना। चला। कोई होशियारी नहीं, ये मत सोचना कि पीटर एमिट नहीं है तो तुम भाग सकोगे। जवानी में मैं भी गार्ड ही हुआ करता था। खोदा लाल तैयार है, चलो इसे चालू करते हैं। हुआ कहाँ से आ रहा है? आए, अरे ये क्या? बस जेलर साहब, हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे। वापस आ जाओ डाल्टन। देख लेना, खोदा लाल हो भाई, यहाँ से कोसों दूर ले जाएगा। ये जहाज लाखों में एक है, देश का सबसे मजबूत जहाज है। हमारे संस्कार की हमें ऐसा मौका मिला है ना एवरल? ये चूहा जहाज में छेद न कर दे। शेरू, उसे अकेला छोड़ दो। अरे मुसीबत खड़ी मत करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अरे तुम यहाँ हो?
प्लीज यहाँ कोई मुसीबत मत खड़ी करना शेरू। जैसे कि तुम देख सकती हो मेरे जहाज में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये वाटरफॉल नॉर्मल है क्या? हम डूब रहे हैं। इमरजेंसी ढक्कन खोला। किसने खोला? एवरल, जहाज डूब रहा है। लाइफ बोट में बैठो। मैं अपनी पेंटिंग्स लेकर आता हूँ। मैंने तुम्हें वजन कम करने के बारे में कहा तो था। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। एवरल, तुमने मुझे बचा लिया। ओह, ये तो कीचड़ में फंस गया। भाई मुझे कुल्हाड़ी दो। ये कहाँ से आ गया? अपने आप को मेरे हवाले कर दो डाल्टन। हम जेल से कोसों दूर है, दिखता नहीं। हम तीन लोग हैं, सोच लीजिए जेलर साहब। इसे बंदी बना लेते हैं भाई। हाँ, अच्छा आइडिया। सबसे पहले खोदा लाल को कीचड़ से बाहर निकालो। अब तुम कह दियो और हम लोग जेलर हैं। क्यों जेलर साहब, भूल गए क्या? ठीक है, तो अब हम यहाँ से दूसरा राइट लेंगे और फिर चोर कहेंगे कौन है तो? मुझे भूख लगी है, कितने घंटों से कुछ नहीं खाया। और मुझे तो बहुत प्यास लगी है। कोई एक स्ट्रॉ चुनो ताकि डिसाइड कर पाए तुम दोनों में से कौन लंच बनेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे वहाँ रेस्टोरेंट देख रहा है। कौन हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सारी पेंटिंग्स गीली हो गई है। मशहूर कैदी एवरल डाल्टन ने अपने पेंटिंग के जरिए सैकड़ों डूबते हुए लोगों की जान बचाई है। क्या हम लोग पहले मिले? मार्क की फैमिली एल्बम में एक तस्वीर थी उनके भाई की, जो सुरंग से भागे लेकिन फिर गायब हो गए। क्या नाम था उनका? मुझे याद नहीं आ रहा। बिल डाल्टन। बिल मामा। मेरे भांजे, यहाँ आओ बच्चों। अंत में देखेंगे कौन जीतता है डाल्टन। रुको, मैं तुम्हें संडे से मिलवाना चाहता हूँ। संडे, ये है मेरे भांजे। सच में भांजे हैं, रोचो लगते हैं। 15 साल अकेले रहने का अंजाम है ये सब। मामा, ये तो मस्त सूटकेस लगती है। हाथ मत लगाना, ये मेरा है। हाँ बच्चों, ये सूटकेस मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम तो 4 भाई हो ना, एक लंबूचन भी था ना घोंचू जैसा, क्या नाम था उसका? एवरल, वो याद नहीं है, उसे पेरिस जाना था इसलिए उसने हमें छोड़ दिया। क्या, अपने भाई को छोड़ दिया? मैंने क्या कहा था संडे? पेरिस जाकर उसे सबक सिखाओ ना। नहीं। क्या? संडे बता रहा है कि पेरिस बैंक और ज्वेलरी से भरा पड़ा है। क्या? अच्छा ठीक है, पेरिस चलते हैं। चलो भाइयों, खोदालाल को साफ करते हैं। मेरा पैर। सॉरी बच्चे, हाथ से फिसल गया, लगी तो नहीं ना? परफेक्ट।
मिस्टर डाल्टन, मैं ऐसे शख्स से हाथ मिला रहा हूँ जो कलाकार के साथ साथ अच्छा इंसान भी है। हमें माफ करना, लेकिन हम ये एग्जीबिशन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या बात है, ये लाइंस, ये कलर्स, यकीन नहीं होता। स्क्रू ढीला लगता है इसका मुझे। याद है भाई, माँ हमें सोते वक्त कहानियाँ सुनाती थी, परियों की कहानी। कुछ सालों पहले एक अच्छी परी थी जिसके पास एक खजाने से भरी हुई तिजोरी थी, लेकिन फिर एक दिन उसके बदमाश भाई ने वो तिजोरी चुरा ली। लेकिन भाई के पास तिजोरी के लॉक का नंबर नहीं था, क्योंकि वो नंबर अच्छी परी ने एक सीक्रेट जगह पर लिखा था और वो सिर्फ उसे ही पता था। अच्छा ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम चॉकलेट चुराने जाएंगे। याद है तुम और एवरिल हमेशा साथ में रहते थे, वो भी क्या दिन थे ना। हे, मैंने सबके लिए कॉफी बनाई है, ब्रेड बटर और तुम्हारे जूते भी पॉलिश कर दिए हैं। जो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। चलो ठीक है, अगर मेरा मैथ सच्चा है तो 2 घंटे में हम पेरिस पहुंच जाएंगे। मुझे लगा ही था कि हमें दूसरा नहीं तीसरा लेफ्ट लेना चाहिए था। हमारे पूर्वजों की मैथ भी इतनी ही खराब थी। फिर से गलती हो गई। बस बहुत हुआ, अब सा नहीं जाता। तेल की फैक्ट्री, हम टेक्सास आ गए, फिर से गलती। नहीं भाई, ये एफिल टावर है, पेरिस पहुंच गए हम। तो कितने माले की बिल्डिंग होगी? जल्दी एवरिल को ढूंढते हैं, मैं मिलते ही गले लगाना चाहता हूँ उसे। इसका क्या करें? जेलर साहब को रस्सी से बांधो और क्या। मैं करता हूँ, तुम्हारे जूते की लेस काम आएगी। ये देखो, एवरिल का पोस्टर है, उसके म्यूजियम एग्जीबिशन के एडवर्टाइज है। बैंक के नोटों की खुशबू आ रही है भाई। चला, आपका ये सूटकेस लेकर अंदर नहीं जा सकते, फेंक दीजिए इसे। नहीं, मेरा सूटकेस। ठीक है, एवरल से मिलना है कि नहीं। जल्द से जल्द पीटर एमिट को बताना होगा। लो, यह सेफ रहेगा। ये लो चाबी, अब लो कपड़े, ब्लैक और येलो वैसे भी आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। सही बात है। क्या बात है? काश कि तुम यहाँ होते मेरे भाई। जो जैक विलियम। सबको पता चल जाएगा, देखो हमारे साथ कौन आया। बिल मामा। क्या हमारे मामा भी हैं? इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे एवरिल? मिस बेटी, आप इसे जो जिस जोसेफे दुब बुलाते दिल अंदर डालते नेर। सॉरी, मेरी चाय पीने का वक्त हो गया है। अरे इतना भी जल्दी क्या है, जरा हमसे भी टॉकिंग करते चलो। चाय से ज्यादा लगाव है। क्या हम शेरू को साथ नहीं ले जा रहे हैं? डॉग्स नॉट अलाउड। शेरू को एग्जीबिशन तो ठीक से देख कर जाओ। जो चलो निकला। खिड़की से कूद जा। काले रंग की हड्डी।
चेलू पीछे रह गया है, भूल जाओ सर, चलो। पीट एमेट डाल्टन पेरिस में है। हाँ, अभी अभी हमने देखा, यहाँ से भाग गए वो। भेष बदल कर आए थे उन लोग। पेरिस जैसे शहर में हम डाल्टन को कैसे ढूंढ पाएंगे? आहा, शेरू काम आएगा। एवरल जब ये पोस्टर देखेगा तो सब कुछ छोड़ के शेरू को ढूंढने लग जाएगा। अरे भाई, मेरे पैर दुख रहे हैं। मैं पैर दबा देता हूँ एवरल। बस बस बस, बहुत हुआ मामा, सबके पैर ही देख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको जूते गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये आइडिया संडे ने मुझे दिया था। मैंने सरप्राइज देना कहा था, अब मुंह क्या देख रहे हो? भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ, यही रुकना, मैं वापस आया। वो डॉगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है भाई? 7 नंबर के साइज के जूते जल्दी नहीं मिलते हैं भाई। क्या 7? किसने कहा तुमसे? इतने बड़े पैर का नंबर सिर्फ 7? लेकिन मेरे पैर पे तो 7 लिखा है भाई। क्या? तुम्हारे पैर पर 7 नंबर लिखा है? हाँ, तो तुम्हारे भी, जैक के भी और जो के भी। माँ ने हमारी शू के साइज का टैटू बनवाया था ताकि हमें याद रहे। लेकिन ये क्या है? कोई कोड लगता है। माँ की तिजोरी का कोड, जो अंकल बिल ने चुराई थी। वो कहानी जो माँ ने बताई थी वो सच्ची कहानी है। लेकिन तिजोरी कहाँ है? वो सूटकेस ही होगा। किसी भी हालत में सूटकेस माँ तक पहुँचाना ही होगा। लेकिन कैसे करेंगे? अब तक मामा सूटकेस के साथ रफू चक्कर हो गया होगा। शायद नहीं, क्योंकि चाबी तो शेरू के पास है ना। मेरा शेरू, मुझे शेरू से मिलना है, उसकी याद आ रही है। अरे मेरा शेरू, ये डॉगी आर्ट म्यूजियम में अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। अरे रुको शेरू, मैं आ रहा हूँ। ओ रहा शेरू, समझ में नहीं आ रहा, हम कौन सी गेम खेल रहे हैं? हाथों पर बच्चों, तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी चोर कंका। जो भी हो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। खेल खत्म, तुम सब पकड़े गए। अब मैं समझा, हम लुका छुपी खेल रहे थे। अब पकड़ो, पकड़ी खेलते हैं। डाल्टन को पकड़ो। वो तस्वीर करोड़ों की है भाई। रुको, नहीं पता चलेगा। तो पता ही नहीं चल रहा कौन किसे पकड़ रहा है। एवरल, वापस आओ! तुम एक संस्कारी कलाकार हो, ऐसा मत करो। हे भाइयों, क्या देखो, बाइसाइकिल। मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओ बिल मामा, आपको जूतों का बहुत शौक है ना? चाबी मिल गई, अब बस हमें सूटकेस लेने जाना है। चलो खोदा लाल से जाएंगे। पिछले 15 सालों में कुछ खास बदला नहीं है वैसे बिल डाल्टन।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कि तुम्हारी वजह से? ज्यादा मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझे ना? या, 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 इसकी इलास्टिक लूज हो गई है। मैं यहाँ पर हूँ। समझ नहीं आ रहा तुम हर बार हार कैसे जाते हो। शेरू जाबे, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त। एवरल नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, वो मेरा भाई है, मैं उसे बचाऊंगा। चाबे बचाओ। अरे भाई मैं आ रहा हूँ। जो आखिर तुमने अपने अच्छे संस्कारों का प्रदर्शन किया, क्या बात है? उप्स, ये कैसे हो गया? ये पेरिस है, यहाँ ऐसा ही होता होगा। वैकेशन खत्म, हम जेल वापस जा रहे हैं। हमें आपकी कुछ भी मदद नहीं चाहिए जेलर साहब। दरअसल हम चारों माँ को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं जेलर साहब। आपने भी आज अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया जेलर साहब। फर्ज तो बनता है, उन्होंने दो बार तुम्हारी जान बचाई। अपने पूरे परिवार को यहाँ एक साथ देख कर अच्छा लग रहा है। चलो मेरा सूटकेस मुझे दे दो। मैंने इस तिजोरी का कोड तुम्हारे पैरों पर लिखा ताकि ये सुरक्षित रहे, लेकिन पता नहीं कैसे बिल ने पता लगा लिया। इसमें वो खजाना है जो तुम्हारे पापा बड़ी बहादुरी और मेहनत के साथ पैरिस से चोरी करके लाए थे। मतलब कि ये वाला नकली है? मुझे तो वो वाला नकली लग रहा था भाई। हंस क्यों रहे घोचो? एग्जीबिशन में लोग मेरी मोनालिसा के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है।